जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन्हें मास्टर साहब झाड़ू थमा देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। मास्टर साहब को खुद की छवि की तो परवाह है नहीं, साथ ही बच्चों के भविष्य को भी झाड़ू थमा रहे हैं। इतना ही नहीं, साहब का रुतबा दो देखिए, बच्चों को आदेशित कर अपनी साइकिल में हवा भी भरवाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मास्टर साहब की कारस्थानी। लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। सरकार ने हर पंचायत में सफाई कर्मियों की नियुक्ति कर रखी है, जिन पर जिम्मेदारी होती है परिषदीय स्कूलों को साफ सुथरा रखने की। लेकिन स्कूल में मास्टर जी बच्चों को ही सफाई कर्मी बना देते हैं। मामला औरैया के जैतपुर विकासखंड क्षेत्र का है। यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखिए कैसे मास्टर साहब बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। एक मास्टर साहब गहन निद्रा में कुर्सी पर विराज मान है और दूसरे साहब बच्चों को झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं। एक और क्लिप है, इसमें आप देखेंगे कि साहब बच्चों से साइकिल में हवा भी ठुसवा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने नाम ना उजागर होने की शर्त पर बताया कि विद्यालय के अध्यापक द्वारा बच्चों से झाड़ू लगाने का काम प्रतिदिन कराया जाता है। यही सब कारण है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या नहीं बढ़ती है। विसंगतियों के चलते छात्र विद्यालय छोड़कर किसी निजी विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं और जो नहीं ले पाते उनकी पढ़ाई वहीं थम जाती है, या फिर झाड़ू पोछा करते हुए जो थोड़ा बहुत ज्ञान गुरुजी दे देते हैं वही उनकी जमा पूंजी बनकर रह जाती है। वीडियो वायरल है, जिम्मेदार मौन है। अब सवाल ये है कि ऐसे कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, जब साहब सोएंगे और बच्चे स्कूल की साफ सफाई करेंगे। जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य महकमों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वैसे ही शिक्षा महकमे पर भी कोई ध्यान दे दे तो हो सकता है कुछ बात बन जाए।